हाय, नमस्कार, वड़क्कम, बॉन्जोर। मैं नामिका और आपका मेरे चैनल पे स्वागत है, ऑल फॉर फरीज। आज मैं आपको बताऊंगी कि छोटी पपीज़ को क्या खाना देना चाहिए। मोस्टली लोगों को जब वो पपी अडॉप्ट करते हैं तब उनको यही प्रॉब्लम होती है कि इसको क्या खाना खिलाए। और मोस्टली ये हो जाता है कि हम कुछ गलत खिला देते हैं, फिर उसको खाना पचता नहीं है। और ह्यूमन फूड बिल्कुल देना नहीं चाहिए डॉग्स को, तो आप ये बिल्कुल ध्यान रखें। और 2 महीने तक उसको कोई भी चपाती रोटी, चपाती तो एक्चुअली देनी ही नहीं चाहिए डॉग्स को। यू कैन गिव उसका सब्स्टिट्यूट, आप उसको बाजरे की रोटी या ज्वारी की रोटी दे सकते हैं, बट गेहूँ वीट इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर द डॉग्स, स्पेशली फॉर द पपीज़। एंड आप शुरुआत, अगर होममेड खाने की बात कर रही हो तो आप शुरुआत दही से कर सकते हैं, बटर मिल्क से कर सकते हैं, या फिर डॉग सेरेलैक होता है, वेंकीज़ का भी डॉग सेरेलैक है, और बहुत सारे ब्रांड्स हैं, अच्छे अच्छे भी ब्रांड्स हैं। वेंकीज़ इज़ अफोर्डेबल ब्रांड, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। या फिर जो ह्यूमन बेबीज़ का जो सेरेलैक होता है 0 to 6 month के बीच में, वो आप यूज़ कर सकते हो। और मैं हिमालय का पपी फूड अराउंड धीरे धीरे मैंने स्टार्ट किया था। दिस इज़ द हिमालय का पपी फूड है, और मैं बटर मिल्क में इसको मिक्स करके देती हूँ। थोड़ा सोक करती हूँ बटर मिल्क में, और थोड़ा ज़्यादा बटर मिल्क डाल के, तो समर्स में तो ये बहुत ही अच्छा होता है। बटर मिल्क डाइजेशन के लिए बहुत हेल्प करता है, और इट इज़ वेरी गुड फूड फॉर द न्यू बॉर्न पपीज़। अगर माँ है तो सबसे बेस्ट तो माँ का दूध ही देना चाहिए, बट इफ़ समटाइम्स वी अडॉप्ट डॉग थोड़ा अर्ली स्टेज में, जिसकी माँ नहीं होती है, या फिर कुछ प्रॉब्लम होता है, हमको पेपर मिल जाता है, या फिर इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, तो आपने दूध बिल्कुल नहीं देना है। ये आप सबसे अहम बात आप ध्यान में रखिए कि पपीज़ को या डॉग को, किसी को भी दूध नहीं देना चाहिए। अगर इन वेरी क्रिटिकल कंडीशन आप किसी एडल्ट डॉग को भी दे रहे हो, तो भी आपको उसमें आधा पानी मिलाना चाहिए और आधा दूध देना चाहिए। तो ये हमेशा आप ध्यान में रखो, पपीज़ को तो देना ही नहीं चाहिए दूध। यू हैव टू यू कैन गिव ये दही दे सकते हो आप, या फिर छाछ दे सकते हो, बटर मिल्क दे सकते हो, दैट इज़ बेस्ट फूड फॉर देम। एंड यू कैन ऐड अ पपी फूड इन दैट, और लिटिल राइस इन दैट। राइस आप धीरे धीरे ऐड करिए, बिकॉज पपीज़ उतना खाना उनको हजम नहीं होता है, बट दे ईट अलॉट। तो आप उनको इंटरवल में, मतलब एटलीस्ट दिन में 4 से 5 बार आप उनको खाना दे सकते हो। आफ्टर एवरी 3 to 4 hours थोड़ा थोड़ा बटर मिल्क, थोड़ा सा पफी फूड, या फिर थोड़ा राइस मिला के, या फिर थोड़ा चिकन सूप, राइस, ये सब आप दे सकते हो। बट आफ्टर मोस्टली आफ्टर 1.5 month, 1 month आप दे सकते हो। 1 month तक तो, 1 1.5 month तक तो मम्मी का ही मतलब उसके माँ माँ के साथ ही उसको रखना चाहिए, और माँ को अच्छा खाना देना चाहिए। आप इस तरीके से पपी को खाना देना स्टार्ट कर सकते हैं, और उसके साथ आप कुछ मल्टीविटामिन्स भी स्टार्ट कर सकते हैं उनको, अगर वो वीक है तो। तो मैं ये जिप फिट करके मल्टीविटामिन है, मैं ये पपीज़ को देती हूँ। आई ऐड इट इन द खाने में ही उनके ऐड कर लेती हूँ, और इसके बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं। गिव वाटर टू देम, पानी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मोस्टली दे ड्रिंक लिक्विड, तो उनको सॉलिड फीड फूड, मतलब बिना पानी वाला फूड आप अवॉइड करें। थोड़ा सूपी सूप भी जो भी रहेगा, चिकन सूप अपन आप डेफिनेटली दे सकते हो, बट हड्डियाँ नहीं देनी है। हड्डियाँ सिर्फ आप सूप बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो, इट इज़ वेरी गुड ब्रॉथ यूज़ कर सकते हो आप उनको देने के लिए। और अगर आपको देना है भी है चिकन, तो वेरी लिटिल क्वांटिटी, वेरी लिटिल आप इनिशियली स्टार्ट करो धीरे धीरे, और सिर्फ मतलब फ्लेश देना है आपको, बोन्स बिल्कुल नहीं देने हैं। तो पपी को आप इस तरीके से आप उसको स्लोली स्लोली उसका खाना शुरू कर सकते हैं। एकदम से कोई भी चीज़ नई इंट्रोड्यूस मत करिए,
धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करिए, बिकॉज़ उनको जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है, फिर वो डायरिया हो जाएगा, पॉटी कर ले, बहुत सारी पॉटी करेंगे। तो इट्स बेटर, सबसे बेस्ट होता है दही और बटर मिल्क फॉर देम। सो आप ये ज़रूर ट्राई करिए। दूध बिल्कुल मत दीजिए पप्पीज़ को। और आप उनको बहुत सारे फ्रूट्स इंट्रोड्यूस कर सकते हो, बट आफ्टर 1.5-2 महीने के बाद आप उनको दे सकते हो, केला आप दे सकते हो, फिर आप उनको वाटरमेलन दे सकते हो, कलिंगर जो तरबूज बोलते हैं हम लोग उसको, वो दे सकते हो। और बनाना इज़ वेरी गुड फॉर देम। एप्पल सीड्स निकाल के उनको देने हैं, फिर गाजर आप दे सकते हो, कैरेट्स दे सकते हो। इवन दे कैन दे हैव द दांत उनके आते हैं, तो उनको च्यूइंग के लिए भी कैरेट्स यूज़फुल है। और सब्जियों में आप उनको धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कर सकते हो, जैसे लौकी है, मतलब बट ग्राउंड उसको आप कट करके दे सकते हो, मतलब सब्जी में, दाल में थोड़ा सा मिला के, या फिर राइस में मिला सकते हो। और पालक दे सकते हो, गाजर दे सकते हो। सो स्लोली स्लोली यू कैन ऐड टू देयर फूड वेजीज ऑल्सो, बिकॉज आप बचपन में ही उनको वेजीज खाना सिखाएंगे तो ही वो खाएंगे। जो जो भी आप खाना उनको बचपन में सिखाते हो वही वो कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो इफ़ यू गिव देम ओनली, आप अगर उनको सिर्फ चिकन देते हो तो फिर वो चिकन ही खाना। तो आई यूजुअली प्रीफर कि एक टाइम मैं उनको वेज खाना देती हूँ और एक टाइम मैं उनको नॉन वेज खाना देती हूँ। तो ऐसा मैंने उनको बैलेंस करके रखा हुआ है। समटाइम्स आई गिव देम पपी फूड बट नॉट ऑलवेज द सेम फूड। तो 3-4 बार जब मैं इनको खाना खिलाती हूँ, तो वो 4 बार तो कम से कम पप्पीज़ को खाना देना चाहिए, बिकॉज दे आर स्मॉल एंड ग्रोइंग, दे डू लॉट ऑफ पी पू, सो दे नीड फूड एटलीस्ट फॉर 4 टाइम्स इन अ डे, मतलब एवरी आफ्टर 4 आवर्स और 3 आवर्स यू हैव टू गिव देम अ फूड। नॉट इन मच क्वान्ट, थोड़ा कम क्वान्टिटी में दीजिए बट 4 टाइम्स दीजिए, और उससे ज़्यादा रात को भी शायद उनको कभी कभी उठते हैं, तो थोड़ा सा बटर मिल्क आप दे सकते हो, या फिर सेरेलैक, डॉग सेरेलैक इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर आपको ये होम फूड नहीं जम रहा तो डॉग सेरेलैक आप ला सकते हो। बट तो राई इनको डायरेक्टली चपाती एंड ऑल दैट प्लीज़ डोंट गिव दैट, इट विल अपसेट देयर स्टमक, और बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं। और दूध से तो उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, पेट ख़राब हो जाता है। बाकी ह्यूमन फूड जिसमें मसाले हो, जिसमें तेल हो, जिसमें नमक और शक्कर हो, वो तो बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए। कैडबरी नहीं देनी चाहिए, चॉकलेट्स नहीं देने चाहिए, ग्रेप्स इट्स टोटली पॉइजन फॉर देम। सो मुझे लगता है मैंने बहुत कुछ आपको खाने के बारे में बताया, स्पेशली पपीज़ के बारे में। एडल्ट के लिए थोड़ा सा कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट थोड़ा बहुत आप उनको, मतलब देर आर सम, थोड़ा अलग आप उनको खाना दे सकते हो, वो भी मैं किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगी। पर पपीज़ के लिए आप इतना पपीज़ के लिए आप को बहुत ही कॉशियस रहना पड़ता है जब उनको पहला फूड खिलाते हो। उनको क्या अच्छा लग रहा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट उनको क्या देना चाहिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सिर्फ फूड ही नहीं, तो उनके डीवॉर्मिंग है, डीवॉर्मिंग के बारे में भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे पास 1 मिनट, वेयर इज़ द, जस्ट गिव इट, तो दिस इज कोन। ये आप जब भी आप कोई पपी लेके आते हैं, अडॉप्ट करते हैं, तो पहले बात तो आपके पास ये फ्लीज का, ये फ्ली कोम होना चाहिए, फ्लीज एंड टिक कोम। इससे आप आसानी से इसको कोम करके उनके जो भी ऊपर के फ्लीज रहेंगे वो निकाल सकते हो। एंड इट्स ये आपको कहीं पे भी, किसी भी पेट शॉप पे मिल जाएगा। देखिए अभी इसके कुछ है ही नहीं, तो बट अदरवाइज इससे पूरे टिक्स भी निकल जाते हैं और फ्लीज निकल, हार्डली एक आपको 100-150 में कोम मिल जाएगा, बट इट विल लास्ट फॉर मेनी ईयर्स।
और ये एक पाउडर है जो मैं रिकमेंड करूँगी आपको, बल्फो पाउडर करके आती है, जो आप पपीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो आई ऑलवेज प्रिफर दिस पाउडर, तो दिस इज़ वेरी गुड पाउडर फॉर पपीज़, बिकॉज़ ये अगर इसमें जो भी प्रोक्सर करके जो है, दैट इज़ ओनली 1%, सो इट इज़ नॉट दैट हार्मफुल फॉर द पपीज़। सो इट इज़ कॉल्ड बल्फो पाउडर, तो यू कैन बाय दिस फॉर द पपीज़, इट इज़ वेरी गुड। आई एम यूजिंग दिस फॉर माई पपीज़ और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका। तो फ्लीज एंड टिक्स दोनों आप इससे रोक सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही, और मुझे लगता है आपको न्यूबॉर्न पपी को क्या खाना देना चाहिए, उसका उसकी फ्लीज और टिक्स का कैसे ख्याल रखना चाहिए, वो सब इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है। और आप ये ज़रूर फॉलो करिए, आपका पपी आपको बहुत सारा प्यार और थैंक्स बोलेगा, बिकॉज़ आप उसका इतना अच्छा ख्याल रख रहे हो। सो स्टे हैप्पी, स्टे ट्यून, थैंक यू।